हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे एओएसपी एक्सटेंडेड रोम के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो ये अपडेट है वो एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है और ये रेडमी के नोट 7 प्रो डिवाइस के लिए रिलीज़ हो चुका है और ये बीटा 2 अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं रिलेटेड टू बैटरी परफॉर्मेंस और कुछ और भी चेंजेस है जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना और लाइक तो जरूर से यहाँ पे कर देना। तो यार सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सेटिंग के अंदर चल के मैं आपको अबाउट फोन का सेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉयड वर्जन 11 देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। सो एंड्रॉयड 11 के ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको इस रोम के अंदर मिलने वाले हैं। अभी जो AOSP एक्सटेंडेड वर्जन 8.0 है ये अनऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है। अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है जो ऑफिशियल हो Redmi के नोट 7 प्रो डिवाइस के लिए। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलता है सो उसके अंदर भी कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे कर्नल यूज़ किया है वो पर्फ माइनस का यहाँ पे देखने को मिलता है। सो इसके अंदर परफॉर्मेंस भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर चेक करवाऊंगा। तो सिस्टम के अंदर आपको कुछ ऐसे चेंजेस मिल जाते हैं लाइक अपडेटर मिलता है बट ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद गेस्चर्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे पावर मेन्यू के अंदर डिवाइस कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी के रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो सेम फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। कोई भी आपको लैग स्टटर वगैरह नहीं फेस करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है। बाद साउंड के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे कुछ सेम इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे डार्क थीम नाइट लाइट सब कुछ आपका वर्किंग है। वॉलपेपर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे वॉलपेपर्स आपको AEX के मिल जाते हैं। AOSP एक्सटेंडेड के काफ़ी सारे वॉलपेपर्स हैं, आप इनको सेट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे एलिगेंट आपको जो है वॉलपेपर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। टैप टू वेक का ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे वर्किंग है, हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टैप टू वेक का ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे वर्क करता है। एक्सेंट कलर चेंज कर सकते हो। हेडलाइन एंड बॉडी फॉन्ट के अंदर आपको एक फॉन्ट मिल जाता है। आइकन शेप चेंज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। बाकी आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलता है। कलर्स के अंदर कोई भी अभी तक ऑप्शन ऐड नहीं किया गया। सो ये सभी फीचर्स आपके वर्किंग है। और यहाँ पे अगर कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग के अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा एक्सेप्ट आपका वाईफाई कॉलिंग अभी वर्क नहीं करता और कैरियर वीडियो कॉलिंग भी आपका वर्क नहीं करता। अभी जो ये रोम आती है आपको जो इसके प्रीवियस अपडेट्स थे उसके अंदर आपको जो लॉन्चर मिलता था वो क्विक स्टेप का लॉन्चर था, बट इस अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे लॉन्चर मिलता है पिक्सल का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पिक्सल का लॉन्चर मिल जाता है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो। तो ये आपको पिक्सल लॉन्चर देखने को मिल जाता है। इसका ऐप इन्फो मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये वर्जन 11 के ऊपर बेस्ड आपको पिक्सल लॉन्चर मिल जाता है, काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, कोई भी आपको लैग वगैरह फील नहीं होगा UI के अंदर। और हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे रैम मैनेजमेंट, तो काफ़ी अच्छा रैम मैनेजमेंट भी मुझे देखने को मिला था, कोई भी मुझे इशू नहीं आया रैम मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे से आपको ऑप्टिमाइज्ड और काफ़ी फास्ट यहाँ पे जो है पिक्सल लॉन्चर देखने को मिल जाता है, कोई भी लैग वगैरह आपको नहीं फील होगा। तो इस टाइप से ये लॉन्चर आपको देखने को मिलता है। और रीसेंट के अंदर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि वर्क आई थिंक करता है, तो आप देख सकते हो ये भी आपका यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आपको अलग से कोई पिक्सल लॉन्चर की जिप को फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और फीचर्स की। तो लॉन्ग प्रेस करोगे तो वॉलपेपर के अंदर जाते ही आपको यहाँ पे पिक्सल का जो गुडीज़ है वो यहाँ पे मिल जाता है, उसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। लाइव वॉलपेपर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं और ये वाला मैंने वॉलपेपर सेट कर रखा है एक्लिप्स का, तो आप इसको भी सेट कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं तो आप इतने जो है यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। सो ये सभी वर्किंग आपको फीचर्स इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कैमरा की बात करते हैं, कैमरा आपको यहाँ पे ओल्ड एंड्रॉयड का कैमरा मिलता है, सो उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ ज्यादा फीचर्स तो नहीं मिलते बट थैंक्स टू GCam 7.4 ये काफी अच्छे से वर्क करता है। वीडियो मोड के अंदर आपका 4K 30fps काफी अच्छे से वर्क करता है, उसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। और मैंने रिकॉर्ड भी किया, कोई भी मुझे इशू फेस करना नहीं पड़ा। अगर बात करें डॉल्बे की तो डॉल्बे मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है, इसका वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। एंड्रॉयड 11 के अंदर आप कैसे डॉल्बे एटमोस को इंस्टॉल कर सकते हो, सो ये भी आपका वर्क करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको कोई इशू फेस करना नहीं पड़ेगा, डॉल्बे एटमोस काफ़ी अच्छे से वर्किंग है।
सो साउंड का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आपको लो साउंड देखने को मिलेगी अपने मीडिया के अंदर। सो वो आने वाले अपडेट्स के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। बट ओवरऑल जो आपको रोम मिलती है वो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, अराउंड आपको 8 to 9 hours स्क्रीन ऑन टाइम ईजिली मिल जाएगा, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा अगर आप नॉन गेमर हो तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है इसके डिफॉल्ट कर्नल के साथ। और जो चार्जिंग है उसके अंदर बिल्कुल भी इशू नहीं है, चार्जिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं एंटूटू बेंचमार्क की, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको मैं इस रोम की चेक करवा देता हूँ। 198,000 से अबव इसका स्कोर आपको देखने को मिलता है और जीपीयू सीपीयू स्कोर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। रोम आपको बाय डिफॉल्ट रूटेड तो नहीं देखने को मिलती, बट आप रूट कर सकते हो, आप मैजिस्क को यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो, बट केनरी वर्जन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको मैं सेफ्टी नेट यहाँ पे चेक करवा देता हूँ, आपका सेफ्टी नेट फॉल्स रहेगा। अभी एंड्रॉयड 11 के अंदर ये सभी के अंदर इशू है कि आपका सेफ्टी नेट है जो फॉल्स रहता है, तो आप इसको मैजिस कार्ड के थ्रू है पास कर सकते हो, तो मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूं। सो यहां पे मैजिस कार्ड का ऑप्शन यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, इस टाइप से आप यहां पे मैजिस कार्ड इनेबल भी कर सकते हो और इसको पास भी कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। एंड जो आपका डिवाइस है वो भी यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं रहता, आपको मैं चेक करवा देता हूँ, उसके लिए भी आपको यहाँ पे रूट करना पड़ेगा। और जो मैजिस्क इसके लिए रिकमेंडेड है वो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ही यूज़ करना, डिफरेंट कोई भी आप यूज़ नहीं कर सकते, अगर करोगे तो आपको बूट लूप हो सकता है। और जो DRM इन्फो ऐप है उसके अंदर आप चेक कर सकते हो, आपका जो L1 का सपोर्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके अंदर भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो सिंपली इस रोम को फ्लैश करने के लिए आपको तीन फाइल्स चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए इस रोम की जिप, और उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए Nikgapps R वाले, और थर्ड नंबर पे आपको मैजिस्क अगर आप फ्लैश करना चाहते हो, तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद वाइप के अंदर आना है, डेलवी कैच सिस्टम वेंडर डेटा प्रोडक्ट कस्ट एंड मेटा डेटा, इन सबको स्वाइप टू वाइप कर देना है। उसके बाद आपको रोम की फाइल को फ्लैश करना है, आपको Nikgapps R वाले यहाँ पे फ्लैश करने हैं एंड रीबूट कर देना है डिवाइस को। आप फर्स्ट बूट के बाद मैजिस्क R वाला यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो, बट साथ के साथ आप मत फ्लैश करना, आपको फर्स्ट रीबूट के बाद मैं रिकमेंड करूंगा, तो आपका जो है कोई भी इशू आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। सो गाइज यही था इस वीडियो के लिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी यहाँ पे जरूर से कर देना।